ये जो देख रहे हो सेवन वंडर में से एक है, इस द रिडीमर बोलते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। सेवन वंडर में से क्रिस्ट द रिडीमर, इसके बारे में आपको वहाँ जाने से पहले उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये सेवन वंडर्स में से एक है जिसे ब्राज़ील में है। सिटी का नाम है रियो जनेरो। पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है रियो जनेरो में, उसके एकदम से ऊपर टॉप में बनाया गया है। आप लोगों को वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, तो लोग ट्रैकिंग करके जाते तो हैं वहाँ पर हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता है। और वहाँ पे ये ट्रेन से जाना पड़ता है, स्पेशल ट्रेन बनाई गई है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलो मैं आप लोग को वहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक कैसे जाते हैं वहाँ तक का, और वहाँ से कैसा पूरा सिटी का व्यू कैसा दिखता है रियो जनेरो। मैंने सुना है वहाँ से रियो जनेरो पूरा अच्छा सा दिखता है, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। चलो मैं चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो हम लोग स्टेशन के नीचे तो पहुँच गए, तो पहले टिकट लेना पड़ता है, जिसमें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक आदमी का टिकट 90 रियाल का है। तो हम लोग ने अभी टिकट लिया, तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग टिकट लेने के बाद ट्रेन स्टेशन के अंदर घुस गए। तो आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ से, ये जो देख रहे हैं यहाँ से ट्रेन आएगी। तो देखो ट्रेन आ रही है, अभी जो ट्रेन दिख रही है तो ट्रेन आ रही है। इस ये ट्रेन से अब ये वापस जाएगी, तो हम लोग सब इसमें जाएंगे। तो देखो कैसे लोग वापस आ रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट है। तो ट्रेन के उसमें लाइन में लगे हैं, पर ये ट्रेन पता नहीं, ये वाला ट्रेन तो हम लोग को मिलेगा भी नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, हम लोग लेट हो गए। तो ये ट्रेन जाएगा, फिर दूसरा ट्रेन में हम लोग ट्राई करेंगे, तो कोशिश करेंगे ट्रेन के आगे बैठे, ताकि हम लोग को पहाड़ चढ़ते हुए सारा जितने जो चीज़ भी दिखता है मैं आपको पूरा बराबर दिखा सकूँ। हाँ, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये लोगों बहुत सारे कंट्री के फ्लैग्स लगाए हुए हैं, देखिए स्टेशन में, तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन काफ़ी बड़ा था, मुझे लगा था नहीं हम लोग नहीं आ पाएंगे, पर फाइनली जी हम लोग आ गए। तो पूरा 2-3 सीट ही था, ज़्यादा सीट नहीं बचा हुआ था, अभी फुल ट्रेन भर गया, हम लोग को सीट मिल गया। मैं कोशिश किया आगे बैठने के लिए, तो ये सब व्यू दिखने के लिए मुझे सीट इतना था कोने में, पर मैं खड़े होके आगे पायलट के बाजू में बैठ के मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने ट्रेन पायलट बैठे हुए हैं, पता नहीं ट्रेन चलाने वाले को क्या बोलते हैं, पर मैंने तो पायलट बोल दिया, चलो जो भी है। तो ये देखिए अभी वो पहाड़ में हम लोग, पता नहीं चल रहा है पर हम लोग बहुत पहाड़ों में चल रहे हैं। और ये ट्रेन के जो लीक है ना, नॉर्मली 2 लाइन होता है, ये 3 लाइन का ट्रेन है, मतलब वो बीच में जो लाइन बनी है ना वो ब्रेक के लिए बनाया गया है, क्योंकि नहीं पर वो नीचे नहीं गिरेगा, वो ब्रेक जैसे बनाया हुआ है एक्चुअली। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बीच में 2 स्टेशन है, तो बीच में वो भी है कुछ होटल्स पौजादा वगैरह बनाया हुआ, लोग रुकते भी हैं, तो वो लोग भी शायद ट्रेन लेते हैं लगता है। तो 2 स्टेशन बनाया है ऑलरेडी बीच में, तो और ट्रेन आने जाने के टाइम पे क्रॉसिंग के लिए भी चाहिए रहता है, क्योंकि एक ही ट्रैक में तो क्रॉस हो नहीं पाएगा, तो इसलिए वहाँ रुकते हैं, जो क्रॉस कर शेड्यूल वहीं पे बनाते हैं वो लोग। ये देखिए जैसे अभी चल रहे हैं ऊपर, कितना ग्रीनरी, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लग रहा है इसमें, पर अभी मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है वहाँ पे। अभी देखो यहाँ यहाँ से एक साइड से अब नीचे देखने को भी मिल रहा है। ये देखिए नीचे ऑलमोस्ट सिटी दिख रही है, हम कितने हाइट में आ गए, आपको ये व्यू देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कितने ऊंचाई में हैं। इससे तो आपको आइडिया पक्का लग गया होगा कि हम लोग कितने ऊंचाई में हैं।
ये देखिए अभी हम फाइनली पहुंच गए। तो देखो ट्रेन फाइनली रुक गई, तो हम ट्रेन से उतर रहे हैं। अब ये ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ से एक तो सीढ़ी से है ऊपर जाने के लिए, एक तो लिफ्ट है, मेरे ख्याल से 3-4 माला करीबन लिफ्ट होगा। और देखो चलो दिखाता हूँ ऊपर जाने के लिए, और या तो लिफ्ट के रास्ते से या सीढ़ी से भी है, तो मैं अभी सीढ़ी के रास्ता चुन रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ बाहर का सीन वगैरह। अभी हम लोग कितने ऊपर आए देखो, अभी दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ से जाते वक्त हम लोग ट्रेन से आए, पर ये कार वैन से भी जा सकते हैं अगर जब जल्दी जाना हो। वैन या ट्रेन दोनों है अवेलेबल है। तो अभी मैं ये देखिए बस सिटी दिख रहा है, प्यारा व्यू है, ये देखिए। ओ दिख रहा है वो लास्ट में वो माराकाना है फुटबॉल कैंप। दिख रहा है देखो कितना प्यारा व्यू है, पूरा रियो जनेरो का ऑलमोस्ट सिटी दिखती है यहाँ से, इतनी टापू में है, इतना हाइट है। तो एक किस्म से ब्राज़ील ही इसी क्रिस्ट द रिडीमर के नाम से ही जाना जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सेवन वंडर्स में से एक है। तो ऑफकोर्स जो भी ब्राज़ील आता है तो ऑफकोर्स वो ऑलमोस्ट कोशिश करता है कि रियो जनेरो आए, और रियो जनेरो जो भी आएगा वो तो क्रिस्ट द रिडीमर देखे बिना तो हर कोई वापस तो मुश्किल ही कोई जाएगा, हर कोई जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है ना आजू बाजू में पूरा, ये रियो जनेरो का एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर एक टापू है ये, तो उस टापू के ऊपर बनाया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो रिडीमर बनाया है उन 1889 पे, मतलब इसका वो शिलान्यास किया गया था बनाने के लिए। तो पहले ब्राज़ील में क्या है कि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पे राज किया था, तो उनमें से जो कैथोलिक करके जो जाति थे उन जातियों के समूह द्वारा पैसा कलेक्ट करके बनाया गया है। उस टाइम में भी $2.5 लाख मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब ये बनाने के लिए। तो इसकी जो हाइट है करीबन 40 मीटर लंबाई है और 30 मीटर चौड़ाई है। तो जो दो हाथों है वो करीबन 30 मीटर है दोनों हाथ का, ये जो देख रहे हैं आप ना, बहुत ये कैमरा में तो छोटी लग रही होगी पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो ये एक जो कंक्रीट से बनाई गई है और उसके ऊपर कुछ पत्थर लगे हुए हैं, जो स्टैचू में जो जितने भी पत्थर लगे वो पत्थर सारा पुर्तगाली लोगों ने स्पेन से लेके आए हैं। तो इसका जो हिस्टोरी है तो वैसा है। तो अगर मेरे ख्याल से 2004-05 में कुछ बिजली गिरी थी तो इसके राइट साइड एक लेफ्ट साइड में क्रैक आया हुआ था, तो ये तो मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था। तो इन्होंने फिर रियो जनेरो की गवर्नमेंट प्रेफेक्चुरा वाले ने उन्होंने ये ठीक कर दिया। तो काफ़ी टूरिस्ट, इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं जो पीछे वीडियो में जितने सारे देख रहे हैं सब वर्ल्ड से दुनिया से आते हैं। तो एक व्यू रहती है, एक स्टैचू है ईसा मसीह क्रिस्ट का स्टैचू बनाया है, डिफरेंट है। तो देखिए जो देख रहे हैं, और ये लाइटिंग है, ये इतना मतलब इस तरीके से बनाया गया है, आपको रात को ना आप दूर से भी देख रहे होंगे ना ये पहाड़ के ऊपर वो क्रिस्ट ये जीसस क्राइस्ट की जो स्टैचू है आपको दिख जाएगी, इतना मतलब
लाइट दिया गया है इसमें। तो जो लोग बोलते हैं ये स्टैचू बनने के लिए करीबन 1890 में उन लोगों ने सिलेनेस किया गया था, पर डिज़ाइन वगैरह तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। बाकी दो तीन आर्किटेक्टर काफ़ी यूरोप से बहुत सारे इसका ढांचा सब कुछ प्रोजेक्ट तैयार हुआ था करीबन 1920 में। जब 1920 में फाइनल प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद उन्होंने बनाना चालू किया था तो 1929 की में लगभग ये तैयार रेडी हो गया था। तो मतलब 9 साल लग गए थे इस ये स्टैचू बनने के लिए। तो जिसका जो शेप है ना, दो करस के उसमें दो हाथ ऐसे करके बनाया गया है, उसका मतलब है ये है कि सब लोगों को गले लगना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ऊंचा है, दूर है, तो ऐसा लगता है कि जैसे करस बनाया हुआ, पर नहीं, उसका जो दोनों हाथ खोलने का मतलब है कि मैं मतलब सबको गले लगाना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरीके का मतलब लोगों, यहाँ के लोगों का धारणा है कि पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। भीड़ वगैरह देख के तो आप समझ गए होंगे कितना रस होगा। एक खासियत क्या है कि जो डिजाइन है, इंजीनियर ने जो ये जो बनाया है करस के सर में ना, बहुत बारीक बारीक से उन्होंने कील रखे हैं, बोलते हैं बहुत बारीक बारीक से कील रखे हैं, ताकि कोई उसके ऊपर चिड़िया वगैरह मतलब कोई आके उसके अंदर ऊपर ना बैठे। तो अक्सर यहाँ पे कोई चिड़िया वगैरह भी बैठता नहीं है हाथों में और ये सरों पे ऊपर के हिस्से में कोई चिड़िया वगैरह भी बैठ ना सके, इतना बारीक चीज़ कील लगाया उन्होंने, तो दिखता नहीं है। और ये देखिए ये क्राइस के नीचे उन्होंने ऐसा बनाया है जो इसमें ना, तो मतलब कभी यहाँ पे बड़े बड़े लोग कुछ फंक्शंस वगैरह अगर स्पेशल करना, ऐसी जगह पे जहाँ टूरिस्ट स्पॉट हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे ऐसी जगह पे तो बंदर तो रहते ही हैं। और ये देख रहे हैं आपको स्टैचू, ये दो तीन लोगों की स्टैचू लगाए गए हैं जो जिनकी वजह से ये क्रिस्ट द रिडीमर तैयार है, जो आज लोग देख रहे हैं, जिनमें से एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्टर है, तो एक दूसरा जो फाउंडर होगा। तो अब देखो, अभी हमारा टाइम भी हो गया, तो कम से कम 2-3 घंटा तो हो गया, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो लिफ्ट से नीचे उतरे तो ट्रेन लगी हुई है, तो अभी हम लोग इसी ट्रेन से वापस जाएंगे। चलो बाय।